नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम बातों बातों में। भारत की कला और संस्कृति विस्तृत है। अगर आप भी कला प्रेमी हैं तो आज हम आपके लिए जो कुछ भी ला रहे हैं वो कुछ ऐसा है जो आपको सच में पसंद आएगा। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी प्रदर्शनी में जो कि राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की, जहाँ पर देश का पहला राष्ट्रीय कला सम्मेलन आयोजित किया गया। ये अपने स्तर का पहला ऐसा सम्मेलन है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है और लखनऊ में पहली बार आयोजित है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय कला सम्मेलन एक अनूठा आयोजन है। रोजमर्रा की भागदौड़ से थके हारे मनुष्य को ललित कलाएं शांति और सुकून देती हैं। मनुष्य मनुष्य है तो कला है, इसलिए मनुष्य है। और 64 कलाएं हैं। भाषा की कला है, बोलने की कला है, संगीत की कला है, चित्रकला है, मूर्ति कला है। जीवन में ये यदि नहीं होगी तो मनुष्य कहाँ रहेगा। और इसलिए मनुष्य के जीवन पर बड़ा गंभीर असर और ऐसा कला का होता है। जब आदमी ठीक से चल नहीं पाता था और उसको उतना पता नहीं था, फिर भी वो पुराने ज़माने से गुफाओं में और बाकी जगहों पे ये चित्रण करते थे और उस समय से ये चला जा आ रहा है और धीरे धीरे परिष्कृत हुआ है और आज इस स्थिति पे पहुंचा है। और एक ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस बस्टर है, इसको करते समय और इसको देखने वाला भी उसको आनंद की महसूस होता है, उसको आनंद की अनुभूति होती है। ये एक विशाल आयोजन है जिसमें देश भर के 122 कलाकार ऑन द स्पॉट अपने कलात्मक हुनर से दर्शकों को चकित कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जितना बड़ा आयोजन उतनी महती जिम्मेदारियां। यह देश का अकेला पहला नेशनल आर्ट कॉन्क्लेव है जो कि देश की आज़ादी के बाद भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त शासी संस्थान राष्ट्रीय ललित कला अकादमी एवं डॉ. शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के संगीत एवं ललित कला संकाय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस नेशनल आर्ट कॉन्क्लेव में देश भर के चुने हुए विभिन्न विधाओं के 122 ख्याति प्राप्त कलाकार भाग ले रहे हैं, जिसमें मूर्तिकार भी हैं, शिल्पकार भी हैं, पेंटर भी हैं, ग्राफिक्स भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं। कोई ऐसी विधा नहीं इसमें है जिसके ख्याति प्राप्त कलाकार इसमें भाग न ले रहे हों। और कुल मिला के लगभग 10 दिनों के इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के उपरांत लगभग 250 हमारे प्रोडक्ट सामने आएंगे, जिसमें 150 से अधिक हमारे पेंटिंग्स होंगी, 30 से अधिक हमारी अच्छी श्रेष्ठ मूर्तियां होंगी जो कि चुनार के पत्थर पे बनाई जा रही हैं, और हमारे बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफी भी किए जा रहे हैं। तो कुल मिला जुला के ये एक इस राष्ट्रीय आयोजन से बहुत बड़ा फर्क विश्वविद्यालय के दिव्यांग छात्र छात्राओं को भी पड़ेगा, विश्वविद्यालय के भी पड़ेगा और उत्तर प्रदेश को भी पड़ेगा, हमारे जो हमारा अपना होम स्टेट है, कि कहीं ना कहीं भारत सरकार ने इस पहले राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए प्रदेश सरकार को और हमारे विश्वविद्यालय को यह सम्मान दिया है। ऐसा सम्मेलन रहा है कलाकारों का कि कलाकार 10 दिन एक साथ रहकर एक दूसरे की भावनाओं से, एक दूसरे की कार्यशैली को जिस तरह से देखकर कार्य कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। और इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा जो हम लोगों का उद्देश्य था कि जो हमारे नए छात्र हैं, अभी ये बहुत ही नई संस्था है, तो इन बच्चों के पास अभी कोई पुरानी पृष्ठभूमि नहीं है, तो ये एक हमारे लिए एक बहुत ही संयोग की बात है और हमारे लिए एक ये बहुत ही अच्छा अवसर मिला कि हम अपने छात्रों को नई नई विधाओं से, नई नई तरीकों से जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हो रहा है उन कार्यों से जोड़ सकें। इस बार की जो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी हुई उसमें जो
उत्कृष्ट निकल के आया देश की कला का, उसी स्टैंडर्ड का काम यहाँ कराया गया, तो ललित कला एकेडमी के पास उसी स्टैंडर्ड का एक बहुत बड़ा संग्रह हो गया। वो प्रदर्शनी तो कलाकार अपने अपने वर्क्स ले लेंगे वापस, लेकिन यहाँ जो संग्रह बना वो एक अनमोल संग्रह हो गया, और ऐसे आयोजन अनुकरणीय हैं। और इस कला प्रदर्शनी में प्रशासन की तरफ से जो भी चीज़ें, जिस तरीके के पूरे प्रयास रहे हैं इसको सफल बनाने के लिए, चाहे हमारी हायर अथॉरिटी आरबीसी साहब की बात करें, या हमारे रजिस्ट्रार साहब, या मेरे एनपी, या यहाँ पर जितना भी हमारा क्लरिकल स्टाफ भी हो, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, सभी पूरी तरह से लगे हुए हैं। और यहाँ पे इन लोगों को इनके रहने के लिए या फिर इनकी क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बाकी इनके भोजन की व्यवस्था, और जिस तरीके की भी चीज़ें हमारे डीन सर ने चाही आपके कला संकाय से, वो सारी चीज़ें इनको मुहैया कराई गई। और हमारा ये प्रयास है कि ये बहुत सफल हो, विश्वविद्यालय के लिए भी ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसा प्रोग्राम हमारे यहाँ हो रहा है, और हम लोग बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं। इस 10 दिवसीय सम्मेलन में लखनऊ और आसपास के कलाकार और कला प्रेमी नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। चटखीले रंगों और चमकते चित्रों का चुंबक सबको आकर्षित कर रहा है। लखनऊ के कलात्मक वातावरण को और ज्यादा ऊर्जास्वित करता दिखाई पड़ रहा है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि यह कला अकादमी ने आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन था, और वह भी 10 दिन का था। ये पहला इस प्रकार का सम्मेलन हुआ है, और इसलिए इस सम्मेलन का लखनऊ पर तो असर है ही, लेकिन इस सम्मेलन में जिन्होंने अपने कला का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, ऐसे 122 कलाकार, और वह भी अपनी कला का 10 दिन प्रदर्शन करते हैं, और प्रदर्शन करते करते देखने वाले छात्र होंगे, देखने वाले जूनियर कलाकार होंगे। मैं तो मानता हूं कि उनके लिए तो एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। आजकल हम कौशल विकास की बात करते हैं, यही कौशल विकास है। यहां आकर कलाकारों ने, देश के कलाकारों ने 122 और अपने 10 दिन प्रदर्शन किया। मैं मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का आयोजन हुआ, और देश पर इसका असर होगा, और लखनऊ में तो स्वाभाविक तौर पर अधिक असर होगा। हर कलाकृति में छुपा होता है एक संदेश, और उसी के साथ छुपा होता है एक सोच, जो कि कलाकार खुद बनाता है। दूर दूर से आए इन सभी कलाकारों ने अपनी भरपूर कोशिश की है कि हर रंग के साथ अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकें, और आपको दे सकें वो सारी चीज़ें जो वो अपनी सोच में विकसित करते हैं। मेरा जो काम है वो थोड़ा स्पिरिचुअल है, थोड़ा सररियलिस्टिक है मेरी स्टाइल जो है, और मैंने यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की है, जब आदमी का जन्म होता है और उसकी मृत्यु होती है, उसके बीच में ही सब कुछ होता है उसके लिए। सारा कुछ जितना भी घटित होता है उसके बीच में ही होता है, और जैसे ही जन्म होता है वैसे उसके भाग्य का उसके साथ अटैचमेंट हो जाता है, और फिर उसी के साथ सब कुछ चलता है। तो यहाँ मैंने वही सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। मैं मूल रूप से अध्यात्म के ऊपर काम करती हूँ, और माइथोलॉजी पे काम किया हुआ है मैंने, 7 एनर्जी सेंटर्स पे काम किया हुआ है, 5 एलिमेंट्स पे काम किया हुआ है। लखनऊ में मूल रूप से अभी जो एग्जिबिट हो रहा है इसमें इनर और आउटर रिचनेस में बैलेंस दिखाया है मैंने इस कैनवास के अंदर, कि जब आप इनर में की रिचनेस में चले जाते हैं तो आप एकदम शांति में उतर जाते हैं, और आउटर रिचनेस जब बहुत पैसा होता है तो आप एक स्पाइडर वेब की तरह उसमें जकड़ते जाते हैं। पर मेरे हिसाब से इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो इस कैनवास में पर्टिकुलरली मैंने दोनों का बैलेंस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि दोनों बहुत ज़रूरी हैं, इनर रिचनेस भी और आउटर रिचनेस भी, और एक दूसरे के बिना वो अधूरी हैं। आप यदि ध्यान में भी बहुत गहरे उतर जाते हैं और आपके पास आउटर रिचनेस नहीं है तो वो एक अधूरापन आपको तब भी महसूस होगा, और बाहरी जगत में आप कितनी भी रिचनेस पैसों से पालें पर अंदर की यदि आपके पास शून्यता नहीं है, अंदर की शांति नहीं है, तो वो भी अधूरा है। तो इन दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इस कैनवास में वो ये दर्शाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा काम तो जो है इसका सब्जेक्ट ऐसा लिया है जो सब पीपल सर्वाइव करता है सोसाइटी में, मेजॉरिटी पीपल,
अब ये रिक्शा वाला, तो इसका लाइफ स्ट्रगल कैसा है, कैसे जीता है लोग, क्या मिलता है, कैसे ये रहता है, वो सोशली सोशियो इकोनॉमिक और ऊपर खड़ा होकर मैं दिखना चाहता है, तो वो तो सब्जेक्ट लेके मैं कर रहा है। और सोसाइटी में तो हम लोग तो क्या दे सकता, कुछ तो नहीं दे सकता, कम से कम ये सब आदमी को हम लोग ड्राइंग का सामने उठा के लेके आ सकता, यही कंट्रीब्यूशन सोशली हम लोग कर सकता। और ज़्यादा किया, मेरा पास तो पैसा नहीं जो इसको दुख ये कर देगा, लेकिन इसको कोई दिखता नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा जैसा आर्टिस्ट राइटर बहुत है ये लोग को लेके काम कर रहा है, मैं भी वैसा ही चाहता है जो हमारा फीलिंग्स सोसाइटी सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन में ये मानुष का ऊपर फीलिंग्स का ऊपर मेरा क्या एक्सप्रेशन आता है, वो एक्सप्रेस करने के लिए वो ड्राइंग कर सकता, पेंटिंग कर सकता, अभी ड्राइंग ही कर रहा है मेनली। और ब्लैक एंड वाइट मैं लिया है इसका जो स्टार्क रियलिटी वो दिखाने के लिए मैं ब्लैक एंड वाइट कलर लिया है, ये मेनली चारकोल ग्राफाइट पेंसिल इसमें कर रहा है। हाँ, तो ये मैं काम इधर कर रहा है, और एग्जीबिशन में जो है वो ऐसे ही है, ऐसे पीपल लेके हैं, तो उसमें वो फ्रूट से सब सेलर ये सब था, उसके लिए स्टील लाइफ ऐसा सब मिक्स करके, इसके लिए कलर का ज़रूरत था, मुझे थोड़ा कलर यूज़ किया है, तो इसमें मैं ड्राइंग का टेक्निकल चीज़ लेके ज़्यादा डिस्क्राइब करना नहीं चाहता है, नहीं कुछ बोलना, मतलब मिनिमम ऐसा, मतलब सोशली मैं ऐसा दिखना चाहता है जो मेजॉरिटी पीपल का कंडीशन, अभी वो क्या ज़बरदस्ती मैं करना पड़ेगा ऐसा नहीं, मैं उसका फीलिंग्स, मेरा फीलिंग्स उसका ऊपर डालता है तो एक एक्सप्रेशन आता है वो इस। सर मैं उड़ीसा का हूँ और मैं उड़ीसा पे मेरा बैचलर्स कंप्लीट किया, उसके बाद मैं 4 साल ट्रैवल किया, और मेरा काम बेसिकली ट्रैवलिंग का ऊपर है, मैं जो ट्रैवल करता हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है पर्सनल लाइफ और उसको मैं पहले दिखाया, बाद में जब मैंने मास्टर कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने मेरे कम्युनिटी को दिखा रहा हूँ जैसे एक कम्युनिटी कैसे ट्रैवल कर रहा है। तो अभी मैं चिलिका का हूँ एंड इस वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ ओडिशा, सो चिलिका इज़ वेरी नोन एज लाइक चिलिका लेक। सो ये जो आज जो चिलिका लेक में जो एक प्रॉब्लम हो रहा है जो फिशरमैन है नॉन फिशरमैन एंड हाउ द पॉलिटिक्स प्ले रोल ओवर द चिल्का, सो ये मेरा एक्चुअली फोकस पॉइंट है तो मेरा पेंटिंग पे दिखाने के लिए। मैं एक्चुअली पेंटर आर्टिस्ट हूँ, मैं लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट का मास्टर MBA का स्टूडेंट हूँ और इस समय सर ये मेरा काम है और जिसपे कुछ सर किसान का जो मैनुअली स्ट्रगल लाइफ है तो उसको मैंने इसमें पेंट करने की कोशिश की है और सर ये ऑल कलर से मीडियम से बना रहा हूँ इस समय में। नियमित रूप से होने वाले विभिन्न आयोजनों के कारण लखनऊ अब कला की राजधानी के रूप में प्रसिद्धि पाने लगा है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय का ये आयोजन इस तथ्य को अभिप्रमाणित करता है। कुछ ऐसा ही मानना है प्रदेश के प्रथम नागरिक माननीय राज्यपाल महोदय का। राजधानी के अलग अलग रंग रूप होते हैं। देश के आर्थिक राजधानी मुंबई है जहाँ से मैं आता हूँ, राजनीतिक राजधानी दिल्ली है या काशी है या वाराणसी कहते हैं कुछ लोग, यह देश की सांस्कृतिक राजधानी है। उसी प्रकार मैं लखनऊ को कला की राजधानी मानता हूँ। यहाँ जैसे मैंने कहा कि 20 महीने हो गए मुझे यहाँ आकर और 20 महीनों में मैं विभिन्न कार्यक्रमों में गया, संगीत का है, नृत्य का है, सांस्कृतिक है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार कार्यक्रम चलते हैं और अखबार भी मैं खोल के देखता हूँ। तो बाकी जगह पर
एक खबरों का पृष्ठ होते हैं, एडिटोरियल पृष्ठ होते हैं, या खेल का पृष्ठ होता है, सिनेमा का होता है, लेकिन शायद लखनऊ यह एक ऐसा शहर होगा कि कला के लिए भी एक अलग से पृष्ठ होता है। कहाँ नृत्य का चल रहा है, कहाँ संगीत का चल रहा है, कहाँ और मेला चल रहा है, इस प्रकार के। और इसलिए लखनऊ में ये लगातार चलता है। मेरे मन में कभी कभी यह भी विचार आ जाता है कि ये लोग कुछ करते हैं या नहीं है दिन भर में इस प्रकार का, लेकिन कला से जीवन में एक समाधान शांति मिलती है। और मुझे लगता है लखनऊ की ये विशेषता का मैं 20 महीने हो गए अनुभव कर रहा हूँ, जो मुंबई के दौड़ धूप के आर्थिक राजधानी के जीवन में मैं कभी नहीं देखा था, या दिल्ली के राजनीतिक संसद है बाकी का काम है उसमें भी मैंने कभी नहीं देखा था। और इसलिए लखनऊ मेरा, अब मुंबई तो पहला घर है लेकिन लखनऊ मेरा दूसरा घर बन गया है। लखनऊ जो है एक तरीके से कला की राजधानी भी हम इसको कह सकते हैं। जैसा कि विश्वविद्यालय के हमारे कुलाध्यक्ष या विजिटर उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी का भी मानना है कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में कथक का एक तरीके से जन्म ही हुआ है, जो हमारी एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य शैली है। इसके अलावा जितने भी राष्ट्रीय स्तर के या राज्य स्तर के ख्याति प्राप्त संस्थाएँ हैं, जैसे राज्य ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय, इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जो कि कला के उन्नयन में, कला के विभिन्न विधाओं के उन्नयन में लगातार लगी हुई हैं। और ख़ास तौर से हमारे विश्वविद्यालय में जो दिव्यांग छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए तो ये बहुत ही एक उल्लेखनीय अवसर है, उपयुक्त अवसर है, जिससे कि वो अपने अंदर की कलात्मक प्रतिभा को निखार सकें, देश भर के विभिन्न ख्याति प्राप्त कलाकारों के साथ मिलके उनकी भाषा को समझे बिना, उनकी कला शैली को समझकर उसके अनुरूप अपने आप को एक तरीके से ढालने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में कला की भाषा अनेकता में एकता का बोध कराती है। उसे देखकर बिना कुछ बोले हम बहुत कुछ महसूस कर सकते हैं। कलाएं देश, राज्य और महाद्वीपों के बंधन के परे हैं। उसकी कोई भाषा, कोई सीमा नहीं होती। इसे आत्मा की गहराई से ही अनुभव किया जा सकता है। वास्तव में ये सभी सीमाओं से परे है। मुझे लगता है कि जैसे हवा को मुट्ठी में हम बांध नहीं सकते हैं, वैसे कला को कोई सीमा में रखना बड़ा मुश्किल है। कला गांव में होती है, प्रदेश में होती है, देश में होती है, और वैसे देश के परे भी होती है। उदाहरण संगीत का यदि लेना है तो संगीत मान लीजिए कि लता मंगेशकर है। अब लता मंगेशकर, मैं मुंबई से आता हूँ तो मुंबई की भी है, महाराष्ट्र की भी है, भारत की है, लेकिन क्या लता मंगेशकर का संगीत भारत तक सीमित है क्या? नहीं, नहीं, भारत के परे है ऐसा मैं मानता हूँ। वैसे ही गुलाम अली का भी है। अब गुलाम अली है पाकिस्तान के, लेकिन केवल वो पाकिस्तान, उनका संगीत पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। और इसलिए कला देश के भी परे होती है। और मैं मानता हूँ कि कला का विशेष ये है कि वो कला हृदय से हृदय को जोड़ती है, और इसी को कला कहते हैं। और ऐसी 64 कलाएं हैं, उसमें से एक कला चित्रकला का प्रदर्शन हमने 10 दिन यहाँ देखा है। ऐसी कई कलाएं, भारत इस कलाओं में समृद्ध है, और ऐसा समागम 10 दिन के लिए यहाँ पर आयोजित हुआ, अपने आप में यह अद्भुत, ऐतिहासिक, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक अनुकरणीय इस प्रकार का बनेगा। भावनाओं के इस रंग बिरंगे मेले में आपने बहुत आनंद उठाया। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की। अगले अंक में आपके साथ फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।